ये उन दिनों की बात है जब सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और वो मन भी बना चुके थे कि बिना शादी विवाह के वो पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर विद्यार्थी परिषद में काम करेंगे। 1986 में सुशील तय करते हैं कि 35 बरस तक शादी हुई तो ठीक, उसके बाद पूर्णकालिक हो जाएंगे। सुशील के घर वाले भी उनकी इस पूर्णकालिक सेवा की बात से खफा रहने लगे थे। उनके पिता का दुकान में कारोबार था। दुकान में ही अक्सर सुशील के संघ के साथी और विद्यार्थी परिषद के लोगों का आना जाना लगा रहता था। ये किस्सा इमरजेंसी के ठीक पहले का है, जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव कराए गए थे। चुनाव में लालू यादव छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो सुशील मोदी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से महासचिव का चुनाव जीता। रविशंकर प्रसाद ने सचिव के पद पर बाजी मारी, लेकिन इसके ठीक बाद आपातकाल की घोषणा होती है और तीनों नेताओं को एक साथ जेल जाना पड़ा। सुशील मोदी का जेल जाना और विद्यार्थी परिषद में उनकी व्यस्तताएं परिवार वालों के लिए बिल्कुल नहीं थी। सुशील मोदी का विवाह दूसरी जाति के साथ और दूसरे धर्म में हुआ था, जिसकी वजह से काफी बवाल रहा। सुशील बताते हैं कि संगठन और आंदोलन के काम करते करते जाति धर्म को लेकर वो बहुत फ्रीली सोच पाते थे। हर प्रेम कहानी की तरह सुशील की भी प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प है। सुशील जब विद्यार्थी परिषद के काम से मुंबई से लौट रहे थे तो ट्रेन के एक कोच में जेसी जॉर्ज नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है। दोनों लोग सेकंड क्लास बर्थ में यात्रा कर रहे थे। जेसी कश्मीर में किसी बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम को देखने जा रही थी। ट्रेन में ही दोनों की भेंट होती है और ये भेंट कब दिल से दिल तक पहुंच गई इसका पता नहीं चलता। दोनों के रिश्तों में चैलेंज अलग अलग जाति से और अलग अलग धर्म से होना था। सुशील मोदी मारवाड़ी परिवार से थे तो जेसी जॉर्ज रोमन कैथोलिक थी। लेकिन कहते हैं ना कि शौक के दीदार है तो नजर पैदा कर। 1986 में जेसी जॉर्ज और सुशील मोदी ने अब तक चल रही लव स्टोरी को आगे बढ़ाया। यूं तो अटल और सुशील मोदी की 1986 तक कोई ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अटल सुशील मोदी की शादी में जरूर पहुंचे थे। सुशील ने अटल को अपनी शादी पर पोस्ट कार्ड डाला। वो लिखते हैं, अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह में आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अटल का जवाब आया, मैं जरूर आऊंगा। अटल मानते थे कि सोशल इश्यूज को समाज के लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए अटल सुशील मोदी के विवाह में पहुंचे। शादी आर्य समाज के अनुसार हुई। एक घंटे की शादी में कोल्ड ड्रिंक और मिठाई की व्यवस्था थी। शादी के बाद नानाजी देशमुख, गोविंदाचार्य समेत अटल बिहारी वाजपेयी का 5-5 मिनट का भाषण था। उस दिन सुशील मोदी के लिए अटल के बोल थे, सुशील जी अब तो आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अब आप तो विद्यार्थी भी नहीं रहे, मैं आपसे अपील करूंगा आप भारतीय जनसंघ में ज्वाइन कीजिए और पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं।